सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लाए हैं रॉयल इनफील्ड मेटेओर 350, जो कि सुपरनोवा एडिशन है। तो इस एडिशन में हमारा ग्राफिक्स वगैरह चेंज किया गया है, ये 2022 मॉडल है। तो आज हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और वॉक अराउंड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलाइट मिलता है और हमें ये रिंग डीआरएल मिलता है। एक बार आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको रिंग डीआरएल मिलता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो हमें बल्ब में इंडिकेटर दिया गया है। हमें इस बाइक में हजार्ड लाइट भी मिलता है। तो ये देखिए, तो सस्पेंशन की तरफ आए तो हमें टेलीस्कोपिक फोक इस बाइक में मिलता है। टायर्स की बात करें तो हमें 100/90 का टायर और 19 इंच का एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, डुअल चैनल ABS के साथ ही ये बाइक प्रेजेंट है। और इसका एलॉय को देखिए, काफ़ी अच्छा एलॉय लगता है। मेटेओर का सारा मॉडल में हमें एलॉय मिलता ही है। तो इस तरफ हमें रिफ्लेक्टर मिल रहा है और ये हमें ब्लैक कलर का फेंडर इस तरफ से भी देखिए। और ये एलॉय को देखिए, ये हाई बीम, लो बीम और ये पास स्विच मिलता है। इस तरफ हमें इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पे हमें आई बटन मिलता है, जिससे कि हम वो सारा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। हैंडल की तरफ देखें तो हमें ये हैंडल बार मिरर मिलता है, जो कि एडिशनल एसेसरीज में लगा हुआ है। हमें सिंगल हैंडल इस बाइक में मिल रहा है। इस तरफ देखें तो ये इग्निशन ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलता है। इस तरफ हमें हजार्ड लाइट मिलता है, हजार्ड लाइट का ऑप्शन। तो एक बार मीटर को ऑन करते हैं तो हमें डिजिटल और एनालॉग में मीटर मिलता है। हमें एनालॉग में स्पीडो मीटर मिलता है और डिजिटल में हमें ओडो मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, ये सारा कुछ मिलता है। गियर इंडिकेटर सारा कुछ मिलता है। यहाँ पे हमें फ्यूल गॉज बताता है। इस तरफ हमें ये टाइम, गियर, ट्रिप मीटर बताता है। यहाँ पे न्यूट्रल लाइट, ABS लाइट, फ्यूल लाइट, बैटरी लाइट, ये आई बटन है, इसे प्रेस करके एक बार दिखाते हैं। तो ये देखिए, ओडो मीटर बता रहा है, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, ये ओडो। और इस तरफ देखें तो ये हमें गूगल नेविगेशन मिलता है। ये गूगल से कनेक्ट रहता है, तो जिस समय बाइक आप लोगे और रजिस्टर होगा तो उसके बाद फिर ये ऑन होता है। अभी तो इसमें सिर्फ टाइम बता रहा है। तो मीटर को ऑफ करते हैं। तो टैंक की बात करें तो हमें 15 लीटर का टैंक मिलता है। हमें पूरा रेड कलर में टैंक दिया गया है। इस तरफ हमें रॉयल इनफील्ड का लोगो मिलता है। और इधर नीचे की तरफ देखें तो हमें ये ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत मतलब पेंट किया गया है, और यहाँ ब्लैक और ग्रे कलर का पेंट किया गया है। तो टैंक हमें ज़्यादातर मतलब रेड कलर में दिया गया है, ड्यूअल कलर में बोल सकते हो, है रेड कलर में ज़्यादा है और ब्लैक कलर में थोड़ा बहुत कम है, और ग्रे में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रिप टाइप से खाली दिया गया है। तो इस तरफ देखें तो हमें ये मेटेओर 350 का ग्राफिक्स वगैरह मिलता है रेड के ऊपर में। तो पीछे में तो कहीं पर ग्राफिक्स वगैरह है नहीं। और इस तरफ से देखिए तो इस तरफ भी हमें मेटेओर 350 और ये ब्लैक कलर का पेंट वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। इस तरफ से रॉयल इनफील्ड का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लुक के साथ प्रेजेंट है। और इस तरफ से भी देख लो। तो सीट की बात करें तो सीट हमें काफ़ी अच्छा कुशन मिलता है। रॉयल इनफील्ड का बाइक है तो आपको कंफर्टेबल तो मिलेगा ही। ये आपको सुपरनोवा में हमें बैक रेस्ट मिलता है, जो कि मतलब पीने लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा। और सीट का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, लगता है जैसे कि एक ही सीट है। तो रेयर टायर की बात करें तो हमें 140/70 का टायर और 17 इंच का एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक प्रेजेंट है। तो हम रेयर एलॉय का डिज़ाइन देखें तो रियल एलॉय का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज है फ्रंट वाले एलॉय के मुकाबले। तो ये देख सकते हो,
ये फ्रंट का एलॉय है और इस तरफ से दिखाएं तो ये रेयर का एलॉय है। रेयर का एलॉय का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज है। तो सस्पेंशन की बात करें तो हमें डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन इस बाइक में दिया गया है। रेयर टेल लाइट की बात करें तो हमें ये बल्ब टेल लाइट मिलता है और इस तरफ हमें इंडिकेटर मिलता है जो कि बल्ब में है। हज़ार्ड लाइट भी मिलता है। इस तरफ देखें तो हमें ये एलईडी लाइट मिलता है जो कि हमारा नंबर प्लेट के लिए होता है। एक बार आपको हज़ार्ड ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए रेयर से काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इंजन की बात करें तो हमें जीआई सीरीज़ इंजन मिलता है। ये देखिए 349 सीसी का इंजन है। सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है। पावर की बात करें तो 20.4 पीएस का पावर मिलता है। 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और इस बाइक में हमें एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। तो अब हमें इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट ही सिर्फ मिल रहा है। FI इंजन है और 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। तो सुपरनोवा एडिशन में हमें ये विंड स्क्रीन और हमें ये बैक रेस्ट हमें कंपनी फिटेड मिलता है। और इस बाइक में हमें एडिशनल लगा हुआ है ये हैंडल बार मिरर और ये गार्ड, मतलब तो ये हमें इसके लिए हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो फुटपेक की बात करें तो हमें यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का टैग मिलता है हमारा फुटपेक के ऊपर में। और इसका फुटपेक मेटियोर है तो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ मिलता है, मतलब साइलेंसर एग्जॉस्ट से काफ़ी सटा हुआ मिलता है। तो रियर फुटपेक की बात करें तो हमें रॉयल इनफील्ड का इसके ऊपर भी टैग मिलता है और ये भी एडजस्टेबल है और ये वाला भी एडजस्टेबल था। तो एग्जॉस्ट को देखिए तो एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे से थोड़ा बल्क रहता है। और इस तरफ से देखिए तो इस तरफ हमें रॉयल इनफील्ड वही सेम मिलता है और इस तरफ हमें सारीगढ़ मिलता है। और यहाँ से देखो तो ये भी है हमारा फोल्डेबल और साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलता है और हमें इसमें डुअल स्टैंड भी मिलता है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो हमें 765 mm का सीट हाइट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में दिया गया है। प्राइस की बात करें तो हमें 2,22,067 रुपीज़ हमें एक्स शोरूम इस बाइक का प्राइस मिल रहा है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सही किसी और वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।